अलैक वेलकम टू दिस वीक्स ड्रामा मीटर आज के ड्रामे रिव्यू करने से पहले आई लाइक टू डिस्कस हाउ ड्रामा स्टोरी टेलिंग इज़ चेंजिंग इन पाकिस्तान तो आज से कुछ महीनों पहले ही हम बहुत बार बात करते थे कि हाँ ड्रामा है ड्रामा तो ऐसे ही है ड्रामे में तो ड्रैग्स होते ही हैं ड्रामे में थोड़ी एग्जैजेशन तो होती ही है बट लेटली वी यू बिन सीइंग सम ड्रामाज जैंत नेचुरल एक्टिंग और रियलिटी बेस्ड स्टोरी टेलिंग इतनी अच्छी इतनी खूबसूरती से शाइन कर रही है क्या हमें नज़र आया कि पाकिस्तानी ड्रामा एक्चुअली और तरह से परफेक्ट हो सकता है ज़रूरी नहीं है ड्रैग्स हों जरूरी नहीं है बेकार बेकार में स्टोरी खींची जाए बिकिन एक्चुअली प्रोड्यूस ड्रामाज दैट आर परफेक्टेड इन टर्म्स ऑफ एडिटिंग परफॉर्मेंस डायलॉग्स आज जो कुछ ड्रामे आज के रिव्यू में हैं वो ऐसे ही हैं कुछ नहीं इट एक नए ड्रामे से स्टार्ट करते हैं इट्स कॉल्ड गैर अब गैर के दो एपिसोड्स आए हैं अभी तक और एक्चुअली यू कैन टेल कि ड्रामा आगे जाके इंटरेस्टिंग हो जाएगा क्योंकि इसमें कुछ रिलेशन डायनामिक्स हैं जो इंटरेस्टिंग हैं बट एट द सेम टाइम गैर में एक बहुत वाइड आन सॉम कास्ट है और बहुत सारी फैमिलीज़ हैं तो पहले एपिसोड में तो मैं डॉट्स ही कनेक्ट करती रह गई कि कौन किसकी खाला है कौन किसकी बेटी है कौन किसका मियाँ है एक्स वाइफ सौतीली बेटी कज़न बहुत देर तक आई थिंक एवरीबडी इन द ऑडियंस वॉज जस्ट कनेक्टिंग द डॉट्स टू दिस वाइड फैमिली दो फैमिलीज़ हैं एक बहन से लड़ाई हुई हुई है एक बेटी से एक एक बीवी से डिवोर्स हुई हुई है एंड ऑल दैट यू नो तो आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आता है कि गैर के, के किरदार जो हैं वो क्यों हैं क्या कर रहे हैं उनके एक दूसरे से क्या रिश्तेदारी है अब कहानी में आपको बहुत से इनके डायनामिक्स भी नज़र आते हैं जैसे कि सबा हमीद की अपने भाइयों से आ, दूरी हो गई है क्योंकि उनके मियाँ ने ज़बरदस्ती एक ज़मीन हथिया ली थी किसी टाइम पे वसीम अब्बास इज़ प्लेइंग हर क्रैंकी हस्बैंड एंड इसलिए इवन दो शी लिव्स राइट नेक्स्ट डोर टू हर मदर माँ बेटी आपस में मिलते ही नहीं है माँ भी बेटी को याद करती रहती है बेटी भी माँ को याद करती रहती है दूसरी तरफ अर्जुमन रहीम है अर्जुमन रहीम की सबा हमीद के एक भाई से बाबा रजी से किसी ज़माने में शादी हुई हुई थी और फिर वो शादी टूट गई और फिर अर्जुमन रहीम ने अपनी नंद के मंगेतर से शादी कर ली विच वॉज़ एजाज असलम एंड दे हैव अ वेरी लविंग मैरिज अर्जुन रहीम की एक चार साल की बेटी थी जो उश्शाह बनी बड़े होकर वो भी अपने सौतेले बाप और माँ के साथ रहती रही और उसने कहा कि मुझे बाबा ने इतना प्यार दिया यानी सौतेले बाप ने इतना प्यार दिया कि मुझे कभी अपने असल बाप की कमी महसूस नहीं हुई हाँ कभी कभी मैं सोचती थी, थी कि वो कैसे होंगे लेकिन कोई महसूस नहीं हुई ठीक है सो so, दिस दिस इज़ दैट फैमली डनामिक फिर दो कज़न्स हैंर इज़ अध हुसैन एंड उसामा फरहाद एंड सालिस फरहाद सालिस सो so, ये दोनों हैं ये एक सबाह हमद के बेटे हैं और एक फ़रहान अली आगा के बेटे हैं और फ़रजाद इज फरहानली आगाह सन एंड उसामा इज़ सालसिस इज़ सबाह हमीद सन इन दोनों में लड़ाइयाँ होती रहती हैं फैमिली में क्लाशेज़ हैं ये मैंने आपको एक कॉम्प्लिकेटेड से फैमिली डायनमिक्स बताएँ आई एम श्योर यू नो इफ़ यू सीन गैर नाउ वी नो दैट गैर विल गेट इंटरेस्टिंग बिकॉज जहाँ सेकेंड एपिसोड ख़त्म हुआ है आपको पता है कि कहानी एक नए मोड पे है लेकिन एट द सेम टाइम आई फील दैट देर आर गैप्स इन द स्क्रिप्ट दैट शुड चुर्बिन फिल्ड अच्छा शुरू में ही बात करते हैं कि क्यों लड़ाई हुई सबा हमीद के अपने भाई से इतने पहले तो सबा हमीद वसीम अब्बास बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुमने ये किया तो तो यूँ हुआ तो मैंने वो किया तो यूँ हुआ उस वक्त उसने ये कहा यानी कि जो सारा कुछ हुआ पीछे वो बातों में एक दूसरे को बता रहे हैं ताकि हमें ऑडियंस को समझ हो जाए समझ आ जाए ऐसे कौन करता है रियल लाइफ में लेट्स कीप अर स्टोरीज़ रियल अगर वाकई आपको दिखाना ही है क्या हुआ तो थोड़े फ्लैश में दिखा दें लेकिन ये जो दो किरदार खड़े होकर पुराने सारे किस्से सुना रहे ऐसे नहीं होता एंड इट एक्चुअली रिंग्स डाउन द वैल्यू ऑफ द ड्रामा ऑफ द स्टोरी जब आर्टिस्ट्स ऐसे मेड uh, अप सी आर्टिफिशियल से डायलॉग्स बोलते हैं अच्छा फिर एक और पार्ट उष्णा शाह कीमा अर्जुमन रहीम जो है उसकी डेथ हो जाती है इन अ प्लेन क्रैश अच्छा एक तो मुझे पता चल गया था कि कुछ होने वाला है बुरा क्योंकि अर्जुन बन रहीम तीन दिन के लिए लाहौर जा रही होती है शादी के लिए और उशना शाह उससे कहती है कि अम्मी मुझे तीन दिन तीन साल लगेंगे तो फ़ौर आपके दिल में एक ख़तरा आपको फ़ील होता है कि ये तो कुछ हो जाएगा इसकी माँ को कुछ हो जाएगा एंड शी डाइज न पेंग क्रैश अब वो जो छोटी बहन बनी हुई है उशना शाह की वो इतनी इस तरह वो अपने डायलॉग बोलती है जैसे उसने डायलॉग रटे हुए जैसे आप वो एग्ज़ाम के लिए नहीं रटते कोई जोग्राफ़ी का पैराग्राफ और आप बस वो बोल देते हैं उस तरह वो बोलती है वाई वाई इज द सपोर्टिंग कास्ट वीक द बेस्ट ड्रामाज इवन हैव सपोर्टिंग एक्टर्स हु कैन एक्चुअली पुट इमोशन इन टू द डायलॉग्स एंड आई थिंक दट्स वीक द अच्छा उष्णा शाह की माँ अब उसकी माँ की डेथ हुई है तो उष्णा शाह रो रही हैं एंड इन नो प्लेस वाइल शी इज ट्राइंग समथिंग सो ट्रेजिक अ वेरी डोटिंग डॉटर अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी माँ और बेटी का बॉन्ड भी बहुत स्ट्रॉन्ग था तो अब उसकी माँ की डेथ हुई है लेकिन एक जगह पे भी उष्णा का मेकअप खराब नहीं होता उष्णा के बाल खराब नहीं होते बहुत ही खूबसूरत लग रही है जब वो रो रही है लगी नहीं रहा कि रो रही है आई मीन एटलीस्ट इन सीन्स पर आई अंडरस्टैंड दैट ड्रामे में एस्थेटिक्स शुड बी गुड एवरीथिंग शुड बी प्लीजिंग टू लुक कैर बट एटलीस्ट ऐसे सीन्स में शो द कैरेक्टर टू बी अनटायडी शो हाव दे क्राइड

दैट मीन्स कि वो एक्टिंग कर रहा था ये दो किरदार नहीं लड़े दो एक्टर्स प्रटेंड कर रहे हैं कि वो लड़ें तो इवन दो हार्ड लॉर्ड्स फ्लाइंग अबाउट बट इट शो बिन मोर कन्विंसिंग आई बिलीव एंड देन ऑफ़ कोर्स जो कहानी का एक्चुअल प्रेमिस है जो एंड में पता चला कि जी अब उशना शाह की माँ की डेथ हो गई तीन दिन हुए डेथ को और एक कुप्पो हैं एजाज असलम की बहन और जहाँ कुप्पो का नाम आता है फ़ौरन एक कड़वी औरत का इस्तेमाल होता है ड्रामे में यहाँ भी है तो एक पप्पो हैं वो कहती हैं कि अब हम इस पराई लड़की की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते अब वो वो लड़की चार साल से आपके घर में है वो कह रही है कि एजाज़ असलम ने उसे इस तरह पाला है जैसे बापों की तरह कभी बाप की कमी नहीं महसूस होने दी इतना प्यार किया है कॉलेज ड्रॉप किया है एकदम से एजाज असलम की पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है और वो कहती है तुम मेरी बेटी नहीं हो मैं तुम्हें तो अपने पास नहीं रख सकता आई मीन कमॉन मे बी थोड़ा टाइम गुजर जाता कुछ कोई कोई प्रॉब्लम होती कुछ होता है जिसकी वजह से उन्हें शाह को वापस अपने ओरिजिनल बाप अपने अपने सॉरी वापस अपने बाप के पास भेजना पड़ता बाबर अली के पास बट ये क्या कि तीन दिन बाद ही तुम मेरी बेटी नहीं हो तुम जाओ यहाँ से आई मीन द स्टोरी कुड बिन डिवेलप्ड बेटर फॉर श्योर एंड वॉट हेल्स एंड ऑफकोर्स फरजाद लेट्स टॉक अबाउट अधिल हुसैन फ़रजाद नाउ फ़र्जा जो है वो उसूलों का पक्का है स्ट्रिक्ट है फ्राउन करता रहता है दिखाते हैं कि वो अपनी बहन पे कितनी सख्ती करता है बहन कहती है मैंने बर्थडे पे जाना है कहते है, नहीं तुम नहीं जाओगी वो लड़की अच्छी नहीं है जिसकी बर्थडे है पर बहन कहती नहीं मैं सिर्फ दो घंटे के लिए जाऊँगी तो पहुँच जाता है बर्थडे पर दो घंटे बाद बहन को पिक करने और कहता है कितना ख़राब माहौल था वहाँ लड़के भी थे तो बहन कोड में पड़ती है लड़के भी होंगे एंड शी इज़ सच गुड गर्ल शी इज़ जस्ट टिकंग सेल्फीज़ आर दिस बर्थडे पार्टी सो इट्स नॉट इवन अ बैडीज इन तो अब uh, जब वो इजाज़त ले रही होती है ना उसकी बहन uh, बर्थडे पर जाने की और अपने भाई को कन्विंस कर रही होती है तो माँ कहती है कि जाने दो से इस एज पर तो लड़कियाँ शोख और चंचल होती हैं हु सेज़ डैट हु इज़ राइटिंग दीज डायलॉग्स रियली वी यू नो वेर वील प्रॉबर्ली टर्न आउट वी रियली इंटरेस्टिंग आई एम पीटी श्योर बिकॉज आई हैव फेथ इन ऑल दिस पीपल इन्वॉल्व इन इट दिस मेजर कास्ट हैज़ सम रियली अमेजिंग एक्टर्स द डायरेक्टर्स यासर Nawaz. So I am sure कि गैर इवेंचुअली बहुत अच्छा हो जाएगा फ़िलहाल तो मुझे ये डायलॉग ही नहीं समझ आ रहा है कि क्यों हैं और ये सीकुंस ऑफ इवेंट्स जो है ये इतना अनबिलीवेबल क्यों है सो ड्रामा दैट been started ऑफ मच बेटर स्टार्टेड ऑफ स्ट्रॉगर और एक बात है कि सबा हमीद इसमें एक बहुत अच्छी रोती हुई औरत बनी हुई है यकीन ही नहीं आ रहा अभी अभी नूर जहाँ देखा है लब्डर है नूर जहाँ घर भी शायद वही है जहाँ वाला जहाँ ये शूट हुआ है जो, जो उनका घर दिखाया गया है वो शायद आई एम नॉट श्योर सो यू नो आई की वेटिंग फॉर टू फ्राउन एंड से समथिंग मीन ऑफकोर्स दैट्स जस मी एंड आई थिंक जैसे जैसे गैर चलेगा और उनकी ये अच्छी औरत का कैरेक्टर हमें नज़र आएगा तो शायद वो नूर जहाँ का जो इम्पैक्ट था वो ख़त्म हो जाए फ़िलहाल तो अभी वो ड्रामा फ्रेश एंड माइंड है सो ब्यूटिफुल शॉट दो द हाउस आर ब्यूटिफुल द हेयर एंड मेकअप इज़ गॉजियस एंड एक पार्ट होता है शुरू में जिसमें मिलाद की तैयारी कर रहे होते हैं तो कितना अच्छा वो पूरा सेटअप किया हुआ है सो इट्स ब्यूटिफुली शॉर्ट दैट्स वन प्लस बट आई होप गए टू बी बेटर आई मीन इस ड्रामे कि मैं कब से बी टी एस दिख रही हूँ और कास्ट इतनी अच्छी है मुझे पता है वो केयरफुली अपनी स्क्रिप्ट चूज़ करती हैं तो आई हैड एक्सपेक्टेड दिस टू बी बेटर टू आउट ऑफ फाइव अब कभी मैं कभी तुम की बात करते हैं और यहाँ पर मैं कहती हूँ कि दिस इज़ वे यू सी हाउ स्टोरी टेलिंग कैन बी परफेक्टेड हाउ परफॉर्मेंसेज कैन बी परफेक्टेड कभी मैं कभी में जो छोटे किरदार भी हैं जो साइड किरदार भी हैं उनके भी एक्टर्स अच्छे हैं जैसे कि मुस्तफ़ा का जो दोस्त बना हुआ है जिसके कितने सीन होंगे चार सीन होंगे इवन दैट एक्टर्स सो गुड ही स्पीकिंग सो वेल सो इन अ गुड ड्रामा वेन यू आर इंटेंट ऑन क्रिएटिंग अ स्टोरी दैट इज़ स्पेशल दैट uh, raises स्टैंडर्ड्स आप छोटे छोटे किरदारों का भी ख्याल करते हैं कोई डायलॉग कोई इमोशन मुझे कभी मैं कभी तुम्हें अननेसेसरी नहीं लगा हार्डली एंड यू नो जहाँ किरदार को दुख होता है तो वाकई लगता है कि उससे दुख हो रहा है जब कोई थका हुआ होता है तो वाकई लगता है वो थका हुआ होता है वो मेकअप और सब कुछ हल्का करके इट ऑल बिकम्स वेरी बिलीवेबल यू नो एवरी इज़ नॉट अबाउट बींग मेड अपन लुकिंग ब्यूटिफुल ऑन टी वी अस्टोरी कैन बी रिलेटेबल एंड कभी मैं कभी तो मिस वेरी रिलेटबल तो अब हम मुस्तफा और शर्जी की रिलेशनशिप का नेक्स्ट स्टेप देख रहे हैं जब वो गंदे से फ्लैट में रह रहे हैं और कैसे मुस्तफ़ा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गया है ही सैड कि वो शर्जीना को इधर लेकर आया है और वो चाह रहा है कि उसके लिए आसानियाँ करे खाना पकाना खाना पकाता है चाय बनाता है और पंखा पर्दे कूलर सब इन चीज़ों का ध्यान करता है बड़ा ज़िम्मेदार हो गया है सो वी सी दिस ट्रांजेशन इन दिस मैन हु टू बी वेरी केयरलेस यू नो सोता रहता था पहले घर में एंड कहाँ वो घर में सब्जी नहीं खाता था अब यहाँ सब्जियाँ भी खा रहा है एंड द थिंग इज़ के यू सी दैट ही सैड ही इज़ वेरी सैड यू सी इट अजाइज वेन यू थिंस अबाउट हिज फ़ादर एंड मदर यू सी दैडनेस इन मुस्तफ़ा आजाइज़ कि कैसे उससे दुख होता है कि उसके माँ बाप ने सोचा कि वो चोरी करता है वेरी वेल एक्टेड एंड देन ऑफ कोर्स शजीना उसे कहती है कि नहीं कोई बात नहीं उसे वो सपोर्ट करती कहती है हम कर लेंगे न तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगी हो जाएगा कैसी बातें कर रहे हो बार बार व उसे टालती है मोहल्ले में ज़ोर ज़ोर से गाने बजते हैं सुबह का तुम मुस्तबा गुस्सा कर रहा तो, तो वो कह रही है नहीं हम डांस करेंगे इस पर तो शी वॉन्ट्स टू मेक मेक थिंग्स वर्क वो चाहती कि वो खुश रहें जैसे भी हो मिल के रहें खुश ही रहेंगे सारी मुश्किल वक्त टल जाएंगे तो ये इनके रिलेशनशिप डायनामिक्स हैं और कोर्स अब शर्जीना के माँ बाप आ गए हैं उन्हें पता चल गया है तो आगे यही होगा कि उसके माँ बाप कहेंगे कि आप हमारे घर आ रहे हैं मुस्तफ़ा को कोई बुरा लगेगा आगे की कॉन्फ्लिक्ट थोड़ी थोड़ी पता चल रही है दूसरी तरफ नताशा और दिल है आज मैंने सुबह इंस्टाग्राम पे एक मीम देखी जहाँ पे किसी ने लिखा था कि कहानियाँ चेंज होती रहती हैं ड्रामों की लेकिन गलत काम करने कपल्स हमेशा इस्लामाबाद जाते हैं तो जी जिस तरह मेरे पास तुम्हों में अदनान सिद्दीकी और आयजा ख़ान इस्लामाबाद जाते हैं ये अफेयर भी आ, नताशा और अदील का इस्लामाबाद और भूरबन में टेक प्लेस कर रहा है एंड दे डोंट से दिला भी चादर लेकिन ये बड़ी बातें होती हैं कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती अब अब हम कैसे मिलेंगे अब हम क्या करेंगे एंड uh, वो uh, अदील जो है नताशा की मेरे को देव कहता है ही इज़ अ स्वीट गाय देट गाए रुबा हु इज़ अ कंट्रोल फ्री एंड अदील कहता है मैं रुबा को बिल्कुल नापसंद नहीं करता इमादर फानी एज अगेटिव कैरेक्टर कोड बिन वेरी वगैटेबल यू you नो know, ऐसे हमने बहुत से देखे हैं चीटिंग हस्बैंड ईल ब्रदर ब्रदर इन लॉ ये रोल्स तो बड़े होते हैं ड्रामों में एंड द थिंग इज़ बड़े फगेटेबल होते हैं कोई ऐसी बिगडी नहीं होती पर एक तो ड्रामा इतना अच्छा है ऊपर से बात ने एफर्ट किया है ही ग्रिट्स हिज ग्रिटीप ही सास्टिक ही हिज आइज सो यू नो अदील एक मेमरेबल uh, कैरेक्टर बन गया एक मेमोरेबल विलन है वी लव टू हेट अदील तो जब वो uh, रुबाब की बुराई करता है नताशा से बड़ा मज़ा आता है आप सुनते और फिर वो अपनी माँ से जब मुस्तफ़ा की बुराइयाँ करता है कि हमें रुबाब के सामने हमें हमें बेज़त करके अपने ससुराल जाके बैठ गया है यू लाइक दिस विलन दिस विलन इज़ क्रीपी ही इज़ अ टोटल क्रीप एंड यू विल रिमेंबर हम लेटल इवन वेन दिस ड्रामा एंड्स सो एंड एक और चीज़ ये Mustafa थिंग अबाउट romance एंड I forgot टू mention. सो इट्स अ वेरी स्वीट रोमांस यू कैन सी दैट दे लव इट लव each अदर थोड़ी सी, there इज़ a ऑफ टचिंग touching बट इट्स it's never क्रिंजी दर इज नेवर यू नो टू मच रोमांस को बिल्कुल ही वो वो नहीं हो रहा कहीं वलगारिटी नहीं आ रही और नैवर अनकम्फर्टेबल इट्स वेरी वेरी ब्यूटिफुली डन सो दैट मीन्स टू बी अप्रीशियटेड इन कभी मैं भी कभी तो हूँ कि कैसे एक बहुत स्यादा तोजुन के साथ बहुत सेंसिटिविटी के साथ अक्लमंदी के साथ आप एक रिलेशनशिप की ग्रोथ दिखा रहे इट इज़ ब्यूटिफुल एंड लेट मी एड हेयर देट यू नो आज थिंकिंग अबाउट दिस कि कभी मैं कभी तुम में फहद मुस्तफ़ा ने पाकिस्तान का आइडियल हीरो री कर दिया तो यूजली हमारे हिट ड्रामों में आइडियल हीरो सूट पहना हुआ होता है शेरवानी पहना हुआ होता है अमीर होता है थोड़ा स्मोक करता है एंड uh, थोड़ी बुरी आदतें होती हैं लेकिन दिल का अच्छा होता है उसके घर में पूल ज़रूर होता है ट्रैवल कर रहा होता है बड़ी बड़ी गाड़ियों की फ्लीट होती है उसके पास ये हमारे ज़्यादातर पाकिस्तानी ड्रामों में हीरोज़ हैं और ये बड़े अच्छे हीरोज़ हैं वीव इन्जॉयड और दो ड्रामाज़ बट नाउ वी सी दैट there's अनदर हीरो दैट वी कैन fall इन लव with. वो एक ऑर्डनरी uh, बॉय uh, है जो दिल का अच्छा है जो बहुत प्यार करता है जिसके है इमोशनल बैगेज है बट इज़ ट्राइंग टू सॉर्ट इट आउट एंड वो एक रेगुलर आदमी की तरह बात करता है बहुत पोइटिक बातें नहीं करता पर जो कहता है वो इतना रिलेटेबल होता है और इतना नेचुरल होता है इतनी खूबसूरती से कहा गया होता है कि यू फॉल इन लव एंड यू बिकम अ मुस्तफा फ़ैन सो फ मुस्तफा हैज़ एक्चुअली शोन नज़ कि हीरो ज़रूरी नहीं है शेरवानियाँ पहने फिरे हीरो ट्रैक्स में और एक टी शर्ट या वो जो एक वेस्ट पहना हुआ हुए वो पहन के भी काम करते हुए भी आपका आइडियल रोमांटिक टी वी लीडिंग मैन हो सकता है सो ग्रेट वर्क बाई ए आर बाय बिग बैंग बदर महमूद फाहाम मुस्तफ़ा हानी आमिर नईमा बर्ट इमादरफानी बुश अंसारी जावेद शेख दिस ड्रामा इज़ समथिंग स्पेशल फाइव आउट ऑफ फाइव विश आई कुड गिव इट सिक्स आउट ऑफ फाइव बट फाइव आउट ऑफ फाइव एक और एक्सीडेंट ड्रामे की बात मंजोगी मंजोगी अपनी सेकंड लास्ट एपिसोड पे था एंड इट्स बेन अ शॉर्ट ड्रामा बट आई विज जस्ट थिंकिंग हालांकि कम एपिसोडस पे था कहीं भी काशिफ निसार और जफर मिराज की स्टोरी जो थी वहाँ पे आपको ये नहीं लगा कि कहानी जल्दी जल्दी सुनाई जा रही है हमें सारे इमोशनल कनेक्शन नज़र आए आलिया और इब्राहिम के हमें नज़र आया दैट दे हैव फॉलन इन लव विद ईच अदर हाँ उन्होंने कहा नहीं वी वुड हैव लव सम रोमांटिक मोमेंट्स बट शायद उनके किरदार ये अलाउ नहीं करते इब्राहिम जो है वो हिचकिचाता है अभी आहिस्ता आहिस्ता ही इज़ ओपनिंग अप आलिया हैज़ गॉन थ्रू हर ओन ट्रबल्स सो शी विल ओपन अप स्लोली ऑल्सो तो जो उनकी ये फीलिंग्स um, हैं जो हमें थोड़ी थोड़ी नज़र आती हैं वो भी अच्छी हैं वो भी हमें समझ आता है कि चलो ठीक है दे आर इन लव दे आर हैप्पी टुगेदर है। ये तो वो कहता है इब्राहिम जब शबीर उसे ढूंढ लेता है तो कहता है कि आलिया और मैं आपस में खुश हैं बड़े अच्छे सीन है जैसे कि इब्राहिम जो है वो उसे पुलिस ले जाती है पुलिस पकड़ के ले गई है तो पुलिस वाला कहता है बता दो तुम्हारा शबीर से क्या मसला है तो इब्राहिम बता सकता था और अपने आप को आज़ाद कर सकता था सारे मसलों से लेकिन वो कहता है कि मुसलमान को दूसरे मुसलमान की खामियों पर पर्दा रखना चाहिए दट इस ब्यूटिफुल आई वॉन्टेड पुलिस कार्ड बट आफकोर्स कहानी थोड़ी आगे क्लाइमैक्स की तरफ भी तो जानिए है तो ठीक है सही है उसने नहीं बताया फिर एक और पार्ट पर शब्बीर के जो राइबल था जुबैर उसकी बीवी कहती है कि तुम औरतों के घर के मामले में ना चलो तुम सियासत करो मुझे पता है कि आलिया की इब्राहिम से शादी हो गई है तुम सियासत करो तुम ये मलिक जुबैर की फैमिली के मसलों में ना पढ़ो तो आई लाइक दैट ऑल्सो हाउ वेमेन कैन स्टैंड बाई वमेन ये नहीं था कि वो एक सियासतदान की बीवी थी तो उसने कह दिया कि हाँ मेरी दोस्त की ये बात तुम खोल दो और इसको इस्तेमाल करो पॉलिटिक्स के लिए सो आई लाइट हाउ शी हाउ देट वुमेन्स टुड बाई आलिया एंड अफकोर्स आलिया का किरदार इतना स्ट्रॉग है अब एंड में जाके वो पुलिस स्टेशन आ जाती है वो पुलिस वाले से कहती है कि मैं इब्राहिम की बीवी हूँ अच्छा पुलिस वाला एक पॉइंट पे बड़े एक एक और फ़नी बात कहता है इस चंदे की पेटी से और क्या क्या निकलेगा क्योंकि इब्राहिम पे तो चंदा चोरी करने का इल्ज़ाम था ना तो वो कहता है क्या क्या और निकलेगा क्योंकि कहानी बढ़ती जा रही है अब इब्राहिम की बीवी आ गई और अब वो कह एपिसोड के एंड तक शबीर पहुँच गया है और अब आलिया और उसकी कन्फ्रेंटेशन होगी एंड इब्राहिम जेल में है वी आर सोविया दिस पॉइंट हमें पता है कि कहानी आगे जाएगी ये मुझे नाइन्टी नाइन परसेंट आई एम श्योर कि मन की एंडिंग हैप्पी है क्योंकि मैंने प्रोड्यूसर सुल्ताना सिद्दीकी को इंटरव्यू किया था तो ये मैंने पता लगा लिया था उनकी बातों से मैंने डिड्यूस किया था शबीर का क्या होगा ये मुझे नहीं पता मैसेज स्ट्रॉग होगा और ये मुझे होप है और काफ़ी हद तक यकीन है कि मैसेज हम पे ठोसा नहीं जाएगा ऐसे बताया जाएगा इतनी खूबसूरती से कि हम समझ भी जाएंगे और हम एक मिनट बोर भी नहीं होंगे मनजोगी तो एक मिनट के लिए भी आई डेंट फील थ्रू आउट द ड्रामा दट दे वॉज एनी थिंग दैट वॉज अननेसेसरी इट्स वेरी वेल टोल्ड एंड इट शोज़ अस के ड्रामों की लेंथ छोटी भी हो सकती है और फिर भी पूरी बात सारी फीलिंग्स सारे अप्स एंड डाउन्स उसमें डिफिक्ट हो सकते हैं इट्स अ मास्टर क्लास इन हाउ ड्रामा शुड बी टोल्ड फाइव आउट फाइव दुनियापुर की बात करते हैं दुनियापुर हैज़ जस्ट मेड इट्स डेब्यू ऑन ग्रीन एंटरटेनमेंट और दुनियापुर के डेब्यू से पहले इतनी उसकी बात हुई इतनी हाइप हुई बहुत महंगा ड्रामा है मल्टी स्टारर कास्ट है इट हैज़ बीन टाउटेड अज द मोस्ट एक्सपेंसिव ड्रामा इन पाकिस्तानी टी वी हिस्ट्री और मुझे लगता है कि ये होगा बिल्कुल होगा अच्छा ट्रेलर में बार बार ये बात होती थी कि ड्रामा बिल्कुल फिल्म जैसा है जब ड्रामा देखा तो वाकई वो फिल्म जैसा था मैं अपने फ़ोन पे देख रही थी और फिर मैंने बंद किया और मैंने टीवी पे देखा बिकॉज दीज विजुअल्स नीडिड टू बी सीन ऑन टी वी आई मीन इतनी खूबसूरत लोकेशन्स कोई फोर्ट है बड़ी बड़ी फील्ड्स हैं कैमरा पैन आउट कर रहा है वाइड जा रहा है न्यू सी दी बिग लैंडस्केप्स मोटे बाइक रेस है लड़ाइयाँ हैंक्सप्लोसिव बॉम्ब्स हैं एवरी थिंग इज मेड विद सच डिटेल एच यू वॉन्ट अट ऑन अग स्क्रीन इट्स वेरी मच लाइक अ मूवी येस सो आई इन्जॉय द विजल दैट इट ऑफर्ट ऑल्सो कहानी की इंट्रोडक्शन हुई हमें पता चल गया सारे कैरेक्टर्स का कुछ हद तक मुझे ट्रेलर से पता था लेकिन और पता चल गया तो एक नवाब की फैमिली है एक आदम की फैमिली नवाब की फैमिली मंजर साहबाई की फैमिली है आदम की फैमिली नुमा एजाज़ की फैमिली है और इन दोनों की एक्सट्रीम लड़ाई है और ये दुनियापुर में रहते हैं दुनियापुर एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई लॉ नहीं है कोई भी किसी को मार सकता है कत्ल गारत सब कुछ यू नो इट्स अ वेरी इट्स इज लैंडुल ऑफ क्राइम एंड जो नवाब की फैमिली है उनके चार बेटे थे तीन आदम ने मार दिए हैं और एक बचता है और एक बेटी है नमशा खान ठीक है ये उनका घर है और जो आदम की फैमिली है उसमें दो बेटे हैं एक है नायाब एक है शाम दिस इज़ अली रज़ा एंड खुशहाल खान और uh, नायाब बहुत गु़स्से में है और खुशहाल खान शाम चाहता है कि वो इधर से निकल जाए इसी तरह जो uh, नवाब की फैमिली है उसमें रमशा खान चाहती है कि वो बस दुनियापुर से निकल जाए बल्कि हम एपिसोड में देखते हैं कि उसका भाई जो एक जिंदा भाई बचा है वो कहता है तुम्हारा वीज़ा लग गया कल से तुम निकल जाओगी वीज़ा लग जाता ये नहीं बताते कहाँ टिकट वीज़ा पासपोर्ट तो वो देते पर टिकट नहीं देता ये नहीं पता कि ये वीज़ा लगे कि जारी कहाँ दुनियापुर से बाहर एनी वे तो हमें नज़र आता है कि आपस में बहुत दुश्मनी है और ये दोनों फैमिलीज़ कोई मौका ढूंढ रही हैं एक दूसरे को ख़त्म करने का एंड बाई ऑफ एपिसोड वन एक ऐसा मौका आ जाता है कहीं कहीं मैं कंफ्यूज होती हूँ फॉर इंस्टेंस नायाब और उनके साथ यूसुफ बशीर कुरैशी आई डोंट नो व्हाट द कैरेक्टर्स नेम इज़ तो वो जाते हैं एक आदमी से को डांटने उसने कुछ पैसों में वो की होती है कन्फ्यूजन की होती है तो उस आदमी को जब वो डांट रहे होते हैं और धमकी दे रहे होते हैं कि फिर से ये ना करना तो नवाब की फ़ैमिली के लोग आते हैं और बहुत सारे लोगों को बाजार में मार देते हैं और चले जाते हैं क्यों मारते हैं मे बी आई डोंट अंडरस्टैंड इट मुझे नहीं पता चला क्यों मारते हैं लेकिन फिर नायाब को बहुत गु़स्सा आता है कि तो मैंने इर्द गिर्द सबको मार दिया वो घर पहुंचता है और वो गार्ड्स को लाता है और शामिर और उनके साथ एक और साथी जो होता है वो उसे कहते हैं रुको रुको तुम ये नहीं कर सकते और शामिर कहता हैं किसी और ने किया होगा तुम क्या नहीं कर सकते तुम ये नहीं कर सकते एक डायलॉग है जो मुझे समझ नहीं आया आई मीन नायाबों ने बताया था ना कि मैं ये करने जा रहा हूँ नवाब फैमिली के साथ तो वो कहते तुम ये नहीं कर सकते बग़ैर उसके कहे क्यों कहा ये आई मीन आई कैट इट दर ट्राइंग टू स्टॉप हिम फ्रॉम गोइंग एंड दे वज कैर कि कुछ गलत ना हो जाए और आगे हो जाता है गलत बट ये कहीं यू नो आई थिंक इन ऑल द एक्शन परहैप्स सम ऑफ द डायलॉग्स गेट लॉस्ट हाँ हमें समझ तो आ जाता है क्या हो रहा है बट सम ऑफ द डायलॉग्स आर गेटिंग लॉस्ट शायद आगे ना हो अच्छा एक और हमें डायनामिक नजर आती है कि वो जो आदम है नुमान एजाज लुकिंग फैंटास्टिक एंड एक्टिंग लाइक ही ऑलवेज डज लाइक अ प्रो वो अपने बड़े बेटे को Uh, कम अकल समझते हैं और छोटे बेटे को अक्ल समझते हैं यानी नायाब थोड़ा सा अपने बाप से क्लैश है नायाब का और नायाब चाहता है कि दुनियापुर का कंट्रोल उसके पास आ जाए तो हिज इस वेटिंग मे बी फर्स्ट फादर टू गिव ओवर कंट्रोल और टू डाई एंड शाम जो है वो बिल्कुल दुनियापुर में इंटरेस्टेड नहीं है लेकिन बाप को लगता है कि शाहमीर में ज़्यादा दम है अच्छा और uh, एक और चीज़ ये कि दादी जो है जो आदम फैमिली की आदम हाँ आदम फैमिली की जो दादी है वो कहती है वो से बदला लेना है नवाब फैमिली से क्यों मुझे पता है क्यों मैंने कास्ट से पूछ लिया ले था लेकिन अभी आगे के एपिसोड में पता चलेगा कि ये बदला क्या है क्या हुआ था ऐसे पास्ट में जिसकी वजह से ये दो फैमिलीज इतनी दुश्मनी में आ गए सो so, दुनिया पूरी इज ऑफ टूर गुड स्टार्ट इट्स अ स्पेक्टेकुलर स्टार्ट विजुअली आई थिंक वॉट हुक्ट मी टू दिस ड्रामा वर् द विजल्स एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस बहुत अच्छे एक्टर्स हैं बहुत अच्छे एक्टर्स हैं दुनियापुर में दुनियापुर में वॉट इज लुकिंग एक्शन द परफॉर्मेंस बट आई एम नॉट टू श्योर अबाउट द स्टोरी एंड द डायलॉग्स आई लाइक देम टू बी ए मोर क्लियर मुझे स्टोरी ज़्यादा अच्छी तरह समझनी है और मुझे डायलॉग्स में ज्यादा क्लैरिटी चाहिए आई थिंक आगे जाके होगी द फर्स्ट एपिसोड आई थिंक वॉज द एक्शन इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट एंड लुकिंग फॉवर्ड टू सी मोर एंड इस्पेशली एंड जो था ना ड्रामे का जहाँ पे फर्स्ट एपिसोड के एंड में जहाँ रमशा जो है वो खुशाल को चुरी मार देती है और अली रज़ा जो होता है वो दुश्मनों के हाथ आ जाता है ट्रैप हो जाता है आई मीन आगे क्या होगा यू रियली वॉन्ट टू नो सो फोर आउट ऑफ फ़ाइव अब इश्कुआ की बात करते हैं एश खुआ का एवरेंट ये सेकेंड लास्ट एपिसोड था विच कैन सरप्राइज मी आई है थॉट के थोड़ी और हमें पता चलेगा शायद मिनसा और तबरेज़ की रिलेशनशिप थोड़ी और डिवेलप होगी शायद रुखसार का गुस्सा और रोना ज़्यादा हमें नज़र आएगा बाहर का ग़ुस्ा हमें और उसकी विशसनस नज़र आएगी बाहर की विशसनस तो वैसे फुली नज़र आ रही है बाहर तो है आपका विलन है फुल ऑन लेकिन आई एड एक्सपेक्टेड मोर ऑफ द रोमांस एंड मोर ऑफ जेल फ्रॉम फ्राम टू कम बिफोर द फाइनल एपिसोड वैसे फाइनल एपिसोड मेगा एपिसोड है तो शायद उसमें सब हमें एक साथ एक पावरफुल टू आवर्स में मिल जाए तो इट वॉज अ स्वीट एपिसोड आई वॉलवे सेट के इश खुआ की स्ट्रेंथ जो है वो उसकी स्वीट रोमांस है

तो आई लव हाव दे डिवेलप दबरेज इज़ कैरेक्टर आई इंजॉय सीइंगेट फ्यू मोमेंट्स जब तबरेज गुस्सा करते करते बिल्कुल एक स्ट्रेट फेस होता है उसका तब्रेज का और फिर एकदम से वो हंस देता है एकदम से उसकी आँखें सॉफ्ट हो जाती हैं सो आई लाइक सींग दैट आई वॉन्ट ट सी मोर ऑफ दैट आई वॉन्ट टू सी मोर इंटरेक्शन्स बिटवीन मिन्सा एंड दबरेज मोर रोमेंस मुझे लगता है कि इस एपिसोड में आई डेंट सी सो मच केमिस्ट्री यू नो आई वॉन्टेड दैम टू हैव अ फ्यू मोमेंट्स टुगेदर फिल्मी मोमेंट्स वो कम थे और क्या हुआ बल्कि उन फिल्मी मोमेंट्स की जगह एक पॉइंट पे जहाँ वो दोनों एक गंदे से कमरे में छुपे होते हैं और रेस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं गाना आ गया अब वो गाना खूबसूरत तो बहुत बना हुआ है तबरीश शेरवानी में है वो एक बिल्कुल वो फ़ैंसी से कपड़ों में है पेंटिंग कर रहा है शी इज़ हेल्पिंग हिम पेंट इट्स वेरी सर रियल सा गाना है बट it just didn't fit in. I, I, I didn't feel that it was necessary. I would have rather seen a romantic scene, a few romantic dialogues, chemistry. Is gaane se better tha ki wo hota. So pata to chal gaya gaane se ki yes, there is love. Wo to hume pata hi tha, but I, I, I wasn't. I didn't find it very necessary for the story. और इसके अलावा ये कि वो भी तो बात है कि तब्रेज को याद जो dream आती है कि उसको के एक आदमी और औरत को बाहर मार रहे हैं वो कौन है तब्रेस को वो कब पता चलेगा कि सब लास्ट एपिसोड में पता चलेगा एंड हाउ विल द स्टोरी प्रोसीड असाइड फ्रॉम द फैक्ट दैट आई द केमिस्ट्री टू बी मोर एंड आई वॉन्टेड देम टू हैव मोर इंटरैक्शंस उसके अलावा द स्टोरी स्पेस इज़ वेरी गुड स्टेज इंटरेस्टिंग इधर से उधर भाग रहे हैं बाहर से चुप रहे हैं आगे क्या होगा uh, हाँ एक बात है कि मिनसा कोमल मी शी इज़ लुकिंग ब्यूटिफुल बट आई फेल्ट दैट शी वॉज लुकिंग अबेट टू ब्यूटिफुल इन दिस एपिसोड आई मीन वो भागी हुई है कब से वो छुप रही है गंदी गंदी जगहों पे सो रही है कहीं उसके बाल नहीं ख़राब होते उसका मेकअप ही नहीं ख़राब होता कहीं पे वो थकी हुई ही नहीं लग रही एड कोमल वीट इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल बाय दई आम श्योर वो थकती भी होगी तो बहुत प्यारी लगती होगी इन रियल लाइफ ऑल्सो बट आई फील के थोड़ा और बिलीवेबल हो जाता अगर वो थोड़ी थकी लगती अगर थोड़ा उसकी वो एग्जॉस्ट होती एंड रोती भी है तो सब प्रिटी क्राइंग करती है यू नो आई वॉन्टेड टू सी हर क्राई आई वॉन्टेड टू सी हर डिस्ट्रेस्ड यू नेवर सी हर ट्रूली डिस्ट्रेस्ड तो एट दिस पॉइंट जब बाहर इनके पीछे पड़ा और ज़बरदस्ती शादी करने में तुला हुआ और तब्रेज़ इधर से उधर छुप रहे और तबरीज़ उसे क्लियरली कह भी नहीं रहा कि ही लवज्ज़ हर एंड शी वॉन्ट्स हिम टू सी इट सो देट यू नो शी बिकम्स मोर सिक्योर बार बार वो पूछती है ये चीज़ें ऐसी भी उनकी कॉन्वर्जेस होती हैं कि आपको पता चलता है कि मिनसा चाहती है उससे सुनना कि ही हर बट ही इज इन सेग इट राइट तो इन सब बातों में कहीं इस परेशानी में मिनसा थोड़ी परेशान तो लगती प्रॉपर सो इट्स अ गुड स्टोरी गुड पेस ब्यूटिफली डन बट आई वॉन्ट इट मोर थ्री आउट ऑफ फाइव अब बात करते हैं जफा की जफा में वही हुआ जिसका डर था कि हसन ने कहा कि लेट्स ट्राई फो किड्स और वो जब दादी ने कहा था ना कि तुम्हारी कोई औलाद भी नहीं है जिसकी बेसिस पर तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए रुके तभी से मुझे लग गया था कि हसन को एक आइडिया आया है। कि यूरिका दिस इज़ हाउ आई विल मेक दिस गर्ल स्टे विद मी हमारे बच्चे हो जाएंगे तो कहाँ जाएगी फिर मुझे छोड़ के जा ही नहीं सकती तो वही हुआ कि उसने कहा कि जारा हम एक डील करते हैं मैं साइकाट्रिस्ट के पास जाऊँगा और तुम अग्री कर लो कि हमारा बच्चा होना चाहिए शुक्र है जारा ने डॉक्टर होने की एक एविडेंस दिया क्योंकि बहुत सी जगहों पे जारा जो है वो बिल्कुल ऐसी ऐसे उसने बिहेव नहीं किया कि जैसे वो डॉक्टर है जैसे वो मॉडर्न डे कॉन्फिडेंट एक गर्ल है बड़ी उसने शुरू में ना ऐसी बातें की हैं जिससे आप कंफ्यूज हो जाते हैं बट दिस टाइम बिकॉज शी हैज़ डाउट्स नो शी कैसन ट्रस्टिंग कम्प्लीटली हर फादर सेज टू हर कि ऐसे लोग जो होते हैं वो अक्सर डील से बैकआउट कर जाते हैं तो उसके दिल में खदशा है तो वो चुपचाप उसने दवाई ले ली वो नहीं चाहती कि अभी उसके बच्चे हैं वो चाहती है कि ये आदमी ठीक हो जाए सो आई लव दैट पार्ट ऑन टू दैटरी वेरी स्वीट शहर खान इतनी अच्छी एक्टिंग है शी इज़ द स्वीट यंग गर्ल शी इज़ लिटिल शाई एंड शी इज़ वेरी कमिटेड टू हर मैरिज कहती है वो नुमैर से कि मैं अपने पुरानी वाली कॉलोनी जाना चाहती हूँ क्योंकि वहाँ मुइज़ है और नुमैर कहते हैं नहीं आई ट्रस्ट यू तुम चली जाओ लाइक नहीं आप मुझे दूसरी कॉलेज भेजें पढ़ने के लिए द वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू सी नुम अंदरी मोर रोमांस क्योंकि नुमै जो उसे कह रहा होता है मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा मैं तुम्हें करा दूंगा इट्स मोर ऑफ यू नो इट्स वेरी ब्रदरली एंड ब्रदरलीम टू बी रोमांटिकली इंक्लाइंट आल्सो क्यों ये जो है हीरो आपका डॉक्टर नुमै जो है अब तो वो अपनी बीवी को बड़ा पसंद कर रहे हैं उससे बैठ कर बातें भी करना चाह रहे हैं क्यों लेकिन इनकी एक फुल ऑन लव स्टोरी नहीं बिल्ड हो रही इसलिए नहीं बिल्डोरी क्योंकि कहानी अभी बाकी है लेकिन ये जो इस बार इसने कहा ना मैं तुम्हें तो पढ़ा दूँगा अच्छा मैं तुम लूंगा। very, um, Nawaz, अभी तुमसे सुन लूँगा इट वॉज़ वेरी ब्रदरली विच इज स्ट्रेंज बट आई नो दानिश नवाज आई नो हाउ ही डायरेक्ट्स अब ये कहानी को ले जाएंगे रोमांस की तरफ सो आई हैव फेथ इन इन द स्टोरी एक्टर्स आर परफॉर्मिंग वेरी वेल स्टोरी कंटिन्यू टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड मोहिम मिर्जा टेक्स ओवर द स्क्रीन अमेजिंग डियाज हसन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है सभी परफॉर्मेंस बहुत अच्छे हैं थ्री आउट ऑफ फाइव दिस टाइम जेंटलमैन की बात करते हैं एक्शन पैक्ड एपिसोड फारिस की डेथ हो गई कब से बिल्डअप हो रहा था इवेंट्स का कि फ़ारिस की डेथ हो जाएगी हो गई कहानी वही है जो जो थी कि उसमें कुछ चीज़ें हमको समझ नहीं आती मफरा और जनाब की इतनी दोस्ती कब से हो गई कि बिल्कुल वो बहनों की तरह आपस में बात कहीं यानी जनाब कहती है कि मुझे तो मफरा पे ख़ुद से ज़्यादा यकीन था क्यों था ये कब से हो गया यकीन ये कहाँ से आ गया ये जो है ना जेंटलमैन में जो ये इन्होंने गुंडे और जर्नलिस्ट और ब्यूरोक्रेट की बेटी भतीजी इन सबको जो कनेक्ट किया है ना ये कनेक्शन मुझे समझ नहीं आती कि कहाँ से ये कैरेक्टर्स इतने क्लोज हो गए चार बार मिली मिफ्रा और जनाब अब वो इतनी करीब हो गई कि जनाब ने कहा कि मैं तो उससे अपने उससे भी ज़्यादा अपने आप से ज़्यादा उस पर भरोसा करती थी दैट्स अ फ्लॉ आई डोंट अंडरस्टैंड इट हाव एवर What I do understand and what I do appreciate is how beautifully performed gentleman was this time. तो और ये था एपिसोड humayun सईद का what a remarkable performer he तो मुन्ना है तकलीफ़ में है hai dilbar को मिस कर रहा है रहमती सॉरी कहता तो है तो जनाब कहती है माफ़ नहीं करना फिर जनाब का बाप बात करता है तो वो कहता है ठीक है मैंने सबको माफ़ किया और अब मैंने छोड़ दी मैं मैं नहीं हूँ अब नाउ आई एम नॉट कोइंग टू बी पार्ट ऑफ द माफिया मैं भाई नहीं रहा लेकिन फिर फारिश जो है वो उसके घर में फायरिंग कराता है उसके साथ ही मर जाते हैं मुन्ना वापस आ जाता है और फिर वो किस तरह एक कोल्ड ब्लडेड विलन की तरह फारिस के घर में घुसता है उसके नौकर से बहुत देर बात करता है बातें तो बहुत होती ना फिलासफ़ी तो बहुत है जेंटलमैन में तो ही टॉक्स ही टॉक्स अबाउट थिंग्स ही टॉक्स अबाउट हाउ डी होने से आपसे कहते हैं ना कि तुम सिस्टम के का, का काम कर तुम सिस्टम के लिए काम करते हो इंसान के लिए काम नहीं करते तो वो थोड़ा सा फारिस के बारे में यू you नो know, एक वो जगह जगह मैसेज आते हैं डायलॉग्स में और फिर किस तरह फारिस को मारता है एंड थैंक यू कहता है फारिस को नहीं शूट से अमेजिंग सीन दैट सीन वॉज़ अमेजिंग एंड हमायूं सैद इज़ अमेजिंग अमेजिंग परफॉर्मेंस ही एंड एक और बात यमना जैदी हमायूं सईद की से साधर परफॉर्मेंस की आँखें होती हैं आँखों से पहले बोल देते हैं और जैसे जब वो कहती है ना कि नहीं तुम रहमती को नहीं माफ़ कर दिल के कतल पे पहले यूमेजी की आंखें बोलती हैं नो शी सेज इट शी इज़ वेरी फर्म अबाउट वाट शीज सें सिमिलरली लाली हमायों से रिमार्केबल इन दिस सेंस वो जो ट्रांजिशन है वो जो दुख है उसके बाद वो जो कोल्ड ब्लडेड मर्डर है जिस तरह वो मारता है फारिस को अमेजिंग परफॉर्मेंस और जेंटलमैन मैंने पहले भी कहा है कि जेंटलमैन की कहानी जो भी हो उसको उसके अदाकारों ने इतना अच्छा निभाया है कि ड्रामा स्पेशल हो जाता है ना वो वेटिंग फॉर द फाइनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मुन्ना एंड रहमती और हाँ ये सवाल कि क्या मुन्ना और जनाब की हैप्पी एंडिंग होगी मेरे ख्याल से नहीं होगी लेट्स सी थ्री आउट ऑफ फाइव सो दैट्स इट फॉर दिस वीक ड्रामा मीटर सो मेनी ड्रामाज टू वॉच दिस टाइम आई एक्चुअली मिस्ड आउट ऑन अ ऑफ यूच आइल बी कैचिंग अप ऑन एंड गुड स्टोरीज ओवरऑल लेकिन अब ये एक बात है कि कहानियाँ तो सारी अच्छी हैं हमारे ड्रामे को इतने बुरे नहीं होते बट कुछ कहानियाँ स्पेशल हो गई कुछ स्टोरी टेलिंग अब इतनी अच्छी इतनी डिटेल हो गई है कि आप कहते हैं कि कहा सारे ही ड्राम इतने अच्छे हों सो होपिंग टू सी मैनी मोर ग्रेट ड्रामाज एंड नेक्स्ट वीक